नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेन सिंह, आप देख रहे हो रामेन टेक एंड बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त आ चुकी है और कल 17 तारीख को अनाउंस हो चुका था, कल से पैसा पड़ना चालू हो चुका है किसानों के खातों में और आज 18 तारीख को भी किसानों के खातों में पैसे आ चुके हैं, मोबाइल के द्वारा मैसेज भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा नहीं आया है, उनके मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आया है और वो अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन किसानों के खातों में पैसा आया है और किन किसानों के खातों में पैसा नहीं आया है। तो मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हो लगातार जो फ्रॉड लोग हमारे जो इसका पैसा ले रहे थे किसान सम्मान निधि का, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लगातार कदम उठा रही है। पहले हमारा जो है KYC के द्वारा सत्यापन किया गया था, तो जिन लोगों की KYC डन हो चुकी थी उनका भी पैसा आ चुका है। तो लेकिन जो सेकंड हमारी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होना था उसमें सबसे बड़ी गलती हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में जो हमारे ज़मीन का सत्यापन था उसमें बहुत बड़ी गलती हो रखी है बहुत से लेखपालों के द्वारा, बहुत से कर्मचारियों के द्वारा। वहाँ पे हमारा डाटा छूट गया है, किसी कारणवश से अगर डाटा नहीं चढ़ा है तो वहाँ पर हमारा पैसा नहीं आया हो। आप अपना स्टेटमेंट चेक कर रहे हो PM किसान सम्मान निधि पे जाके, तो यहाँ पर इस तरीके से वहाँ पे नील दिखा रहा है, कोई भी प्रोसेस नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से नील दिखा रहा है तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो गलती क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रखे हो, सबसे बड़ी जो गलती अभी सामने निकल के आ रही है वो ये है, जिन किसान भाइयों का पैसा नहीं आया है उनके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लैंड शेडिंग यहाँ पर जो 9 दिखा रहा है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है। जिन किसान बंधुओं के में इस तरीके का स्टेटस आ रहा है लैंड शेडिंग 9, इसका मतलब है कि आपका जो रकबा है, आपकी जो खेत की ज़मीन है, वो आपके जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जो आपका PM किसान सम्मान निधि में, वहाँ पे ये चढ़ा नहीं अभी तक, वहाँ पे रकबा आपका 0 है, इसी की वजह से आपकी किस्त रोक दी गई है। अब आपको करना क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है, आपको अपने जो लेखपाल हैं पटवारी होते हैं उनके पास आपको जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके और खेत की फर्द को लेके जाना है और अपने लेखपाल को देना है। लेखपाल पास एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट में यदि आपका नाम है और तो आपका रकबा लेखपाल के द्वारा चढ़ा दिया जाएगा, और जब लेखपाल आपके रकबे को वहाँ पे चढ़ा देगा तो यहाँ से जो स्टेटस है लैंड सीडिंग का वहाँ 9 की जगह यस हो जाएगा। जब ये लैंड सीडिंग 9 की जगह यस हो जाएगा उसके बाद आपकी किस्त ट्रांसफ़र होगी, और वो किस्त तो हो सकता है आपकी 1-2 दिन में रिलीज हो जाए, और यदि 1-2 दिन में रिलीज नहीं होगी तो हो सकता है अगली जो किस्त डाली जाए उसी के साथ आपकी ये भी किस्त जो पेंडिंग छूट जाएगी वो भी किस्त आ जाएगी। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, आप ये परेशान ना हो कि आपकी किस्त नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, वो रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वो जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एक ये बहुत छोटी सी जानकारी थी और काफ़ी किसान भाई परेशान है इस चीज़ को लेकर, उनका पैसा नहीं आया हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।